अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सायमा शाहीन और आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल चिनाब टीवी के साथ। तो आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जोड़ा खिते में सेहत की देखभाल की खिदमात का एक लाजमी हिस्सा बन गया है। छाती के कैंसर के बढ़ते हुए वाकयात से निपटने के लिए जीएमसी डोडा के शब्बाए अमराज नसू में एक मुफ्त ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने किया। डिप्टी कमिश्नर विकास शर्मा ने मशवरा दिया है कि स्क्रीनिंग को एक जारी अमल के तौर पर और दूर दराज इलाकों में भी आवाम के लिए दस्तियाब बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। So 25 to 40 years of age is very important that detection is there. So for that manual exam, women, they exactly know how to self-examine themselves. Self-examination, I would stress. Second thing is early detection and then the surgery. So I again congratulate all of you. You have come up with a very... There are no extra radiation. लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है, ये तो प्रेशर का आगे जो सस्पेक्टेड जो हमारे पेशेंट्स होंगे उनका इलाज भी हो जाएगा। इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए एफर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने एफर्ट्स लगा के यहाँ पे इसका मेडिकल कॉलेज को चुना और इसका हम चाहते हैं कि इसका जो सही इस्तेमाल हो और वो अपने उन्होंने उनको अश्योर किया है कि इसके लिए वो दो या तीन टेक्नीशियंस हमें फर्दर टाइमिंग देंगे जो ट्रेन भी करेंगे और कैंप का इसका इस्तेमाल भी करेंगे कि रिडक्शन हो सके। कैंसर की अर्ली डिटेक्शन के लिए कैंप पर ब्लड लम्प स्क्रीनिंग कैंप किया गया है। उन्होंने जीएमसी ने एडिसन्स के साथ मिलकर आज ये कैंप लगाया है, तो इसमें लेडीज़ का जो 25 साल से ऊपर की हैं उनको कवर करने की कोशिश है, जितने भी पॉसिबली कवर हो सकें। और बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट कैंप है ये, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इग्नोरेंस की वजह से और इनहिबिशन की वजह से जो अर्ली डिटेक्शन है वो नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये लाइलाज बन जाता है। तो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है लेडीज़ के लिए कि रेगुलरली चेकअप करवाते रहें। और यहाँ हमने काफ़ी डिटेल में इनसे डिस्कशन हुई है, इस पर इंस्ट्रूमेंट्स भी आजकल आ गए हैं जहाँ फिज़िकल एग्जामिनेशन एलिमिनेट हो जाता है और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए जो कि नॉकवस है उसमें कोई हार्मलेस है उसकी वजह से डिटेक्शन अर्ली हो जाती है। अगर डिटेक्शन अर्ली हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो अच्छा कैंप है, उम्मीद है ये सक्सेसफुल रहेगा और आगे भी इस तरह के कैंप्स रहेंगे। ब्रेस्ट कैंसर जो हमारी पूरे स्टेट की बात करें, यूटी की बात करें, कंट्री की बात करें, ये हाईएस्ट बोला गया है। जो लेडीज़ के बीच में जिस तरह के कैंसर्स आते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है। उसकी वजह ये भी है कि एक तो अवेयरनेस कम है, दूसरी वजह ये भी है तो इतना इजीली लोग आते नहीं हैं इसकी चेकिंग के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सोशल सिस्टम में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लेडीज़ के अंदर ये अवेयरनेस करना और इस तरह का सिस्टम भी इनसे डिस्कस किया है कि लेडीज़ खुद सेल्फ एग्जामिन में अगर माहिर हो जाएं तो टाइम टू टाइम अपना खुद कर सकती हैं या हमारे इस तरह के सेंटर्स बन जाएं या इजीली वो आके अपना टेस्टिंग करा सकें। अवेयरनेस इसी तरह से फैलती है। आज यहाँ कैंप हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को पता चला है, आपके ज़रिए कई सारे लोगों में ये जाएगा। मीडिया जब बाकी जगह फैलाती है तभी से फैला जाता है, क्योंकि एक जगह सबक को एकत्रित करना पॉसिबल भी नहीं है। तो ये मेन जिस तरीके से अभी आपसे बात करें ये चीज़ें आगे जाके करेंगे तो लोगों को अवेयरनेस आएगी, इसमें आपका बड़ा योगदान है, उसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं। और मैं हूँ रिंकू सोमणिया। आज जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इजला की तरह ज़िला डोडा में बिरसा मुंडा की यूमे पैदाइश के मौके पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बड़े जोशों खरोश से मनाया गया। ज़िला इंतजामिया डोडा ने इस दिन को मनाने के लिए डोडा भर में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। डीडीसी डोडा विकास शर्मा की सदारत में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम का आगाज हेड क्वार्टर गुजर और बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल डोडा में हुआ। इस दिन के मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जिनमें उबल वतनी के गीत गाना, गुजर लोक दास्तान और गोजरी मुशायरे और दिगर सरगर्मियाँ शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डीडीसी डोडा ने
तारीख के दौरान कबायली बर्दारियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ मुतद करने में मुल्क के मशहूर बिरसा मुंडा की कामयाबी के बारे में बताया। इस प्रोग्राम में डीडीसी डोडा के साथ एडीसी डोडा आर के भारती भी शामिल थे। कुमार वगैरह वगैरह ने अंग्रेजों के एक गोजरी फोक जी खाकाम सजाद मेरा ये सर हमारे डॉक्टर ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं बिरसा मुंडा ये भारत के बहुत एक अजीम फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो हमारे ट्राइबल जो लोग जो हैं वो खास करके जंगलों के अंदर रहते हैं, इसलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक सरकार के सामने भी नहीं आई हैं। तो इसलिए उन्होंने आज सरकार ने ये काम शुरुआत की है, आज एक मुहिम स्टार्ट की है कि बिरसा मुंडा की जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं सबसे पहले उनका दिन मनाया जाए। उसके अंदर इसके माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है उनको भी सरकार सामने लाएगी, और हम जो हैं यहाँ के लोग जो हैं जहाँ जहाँ भी ट्राइबल्स हैं हम यही मैसेज देंगे अपने लोगों को कि तालीम हासिल की जाए और देश को मजबूत किया जाए। नहीं, जंगलात के अलावा क्योंकि जंगल ही हमारे पास एक ऐसा कुदरती खजाना है जिसकी वजह से हमारा पानी जो है रिजर्व रह सकता है, इकोसिस्टम को अपने माहौलियात को सबको अच्छा मेंटेन रख सकता है। तो इसलिए जंगलात को बचाना हम सब का फ़र्ज़ है, और हम कोशिश करेंगे कि अगर इनके अंदर ट्राइबल जो हैं वो टिके रहेंगे, उनके अंदर वो मौजूद रहेंगे, तो इकोसिस्टम हमारा जो जंगलात जो है ये फॉरेस्ट जो है ये कायम रहेगा, बरकरार रहेगा, नुकसान से बचा रहेगा। जी मेरा नाम खुदा बख्श ख्याली है। माना था हमारे ट्राइबल के लोग जो थे उनका गुजर बसर जो होता था वो मूवमेंट से ही वो अपने आप को मतलब सेटिस्फाई समझते थे, यानी पहाड़ों पे जाना और अपना जो है माल मवेशी लेके जाना। लेकिन आज के दौर में जबकि तालीमी दौर है तो इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो ये है कि हमें तालीमी नुकसान हो रहा है। तो आज का जो दिन हम बना रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने आज का दिन को इम्पॉर्टेंस दिया, ये बिरसा मुंडा की याद में जो मनाया जा रहा है, इस दिन की विशालत से और आपकी न्यूज़ की विशालत से हम ये कहेंगे कि हमारा जो है जंगलात भी हमारे पास रहना चाहिए और हमारा जो कल्चर है अपना जो माल मवेशी का है वो भी रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमारी पढ़ाई का ख्याल जो है उसकी तरफ गवर्नमेंट की खास तवज्जो होनी चाहिए। ये नेशनल लेवल पे ये निर्णय लिया गया है कि हमारा जो बिरसा मुंडा उनकी जो जन्म दिवस हुआ था 15 नवंबर को, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा हर साल। और यहाँ आज हमने शुरुआत की है, आज का जो इवेंट है जो हमारे उस टाइम रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे ट्राइबल एरिया से, उनकी याद में उनके योगदान को रिस्पेक्ट करने के लिए यह मनाया जा रहा है। और बिरसा मुंडा जैसे आपको पता है झारखंड के एरिया से उस टाइम जब फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, इनका अपना अहम योगदान रहा है ट्राइबल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, और उनकी जो रिवायतें थी जो उनका कल्चर था उसके ऊपर जो इन्फ्रिंजमेंट हो रही थी, उस हस्तक्षेप जो हो रहा था उसको बचाने के उन्होंने बड़ा योगदान दिया। तो उन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जा रहा है, और हमारे जो ट्राइबल भाई हैं उनके लिए उनके जो राइट्स हैं, उनके जो कल्चरल हेरिटेज है, लीगेसी, आपने देखा कितने अच्छे इवेंट्स अभी शुरू हुए हैं अपनी अपनी जो हमारी कल्चर है उसको इंक्रीज सपोर्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये मूवमेंट शुरू हुई है। गवर्नमेंट ने बड़े कदम लिए हैं इस एरिया में, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, हमारे यहाँ जो गरीब तबका है उसके लिए बड़े प्रोग्राम किए हैं। अभी इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट के ज़रिए जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्स यूज़ कर रहे थे उसके लिए वो राइट्स दिए गए हैं, पहले वो कंसेशन के तौर पे था लेकिन आज वो राइट बन गया, हकूक बन गया है उनके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सप्ताह बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाएगा, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, और जो हमारी कल्चर हेरिटेज है उनका जो योगदान है उसको मनाने के लिए पूरा इवेंट बनाया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बानिहाल के शिफा पानी मार्केट में आग की एक वारदात में हाल ही में इफ्तिताह की गई। हार्डवेयर और प्लाईवुड की दुकानें जलकर राख हो गई हैं। एसएचओ बानिहाल नईमुल हक ने फ़ोन पर बताया कि दुकानें मुकम्मल तौर से खस्तर हुई हैं, ताहम आग काबू में है और साथ में एक पेट्रोल पंप भी महफूज है। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस, पुलिस, फौज और बानिहाल में आग को बुझाने की कार्रवाई अभी तक जारी है। रात को 12 बजे हमें एक फ़ोन का रिसीव हुई, एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे कॉल की
कि शफा पानी जो यहाँ बनिहाल से लगभग 1.5 किलोमीटर पर वहाँ पेट्रोल पंप के नज़दीक हार्डवेयर शाह हार्डवेयर के नाम से उन्होंने अपनी दुकान हाल ही में 1 महीने पहले अपनी दुकान इनाग्रेट की थी, उसमें अलमनाक कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। तो हम आनन फानन, मेरी बात फिर SHO बनिहाल नईम साहब से हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी टीम SDPO आशीष गुप्ता की मदद से हम पूरे यहाँ जाए वारदात पर जा रहे हैं। तो आनन फानन पुलिस के साथ साथ फायर सर्विस अमला और NGO बनिहाल वॉलेंटियर्स और लोकल ने आग पर लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर आग पर काबू पा लिया गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसमें 2 दुकानें उसकी पूरी तरीके से खाकिस्तर हुई। तो 3 दुकानों को फायर सर्विस अमला और लोकल्स पुलिस ने बचा लिया गया। अब इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए चिनाब TV। तब तक के लिए नमस्कार।